पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचे रायबरेली। रायबरेली पहुंचकर उन्होंने पत्रकारों से की वार्तालाप। पत्रकारों से वार्तालाप के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति महोदय के ऊपर की गई टिप्पणी को लेकर किया कांग्रेस व सपा पे पलटवार। आइए आपको भी सुनवाते हैं क्या कहा पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश चंद शर्मा ने, उन्हीं की जुबानी। अभी तो प्रशिक्षण शिविर है चित्रकूट में 29, 30 और 31, इसमें लगभग 200 लोग शामिल हो रहे हैं। विभिन्न विषयों पर पार्टी की कार्यप्रणाली, भविष्य के कार्यक्रमों का संपादन और बीजेपी की रीत नीत, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, तमाम विषय हैं जिन पर न केवल चर्चा होना बल्कि जो अपना आधारभूत कार्य है पार्टी का, उससे लोगों को अवगत कराना। ये प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रीत का एक अंग है और उसी के तहत ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम चलेगा। अब कुछ लोग हैं जो सब पर टिप्पणी करने से बाज नहीं आते। पहले किसान आंदोलन कर रहे थे, जब किसान पुत्र को पूरे राष्ट्र का उपराष्ट्रपति बनाया गया तो उनको आपत्ति होने लगी। पहले वो अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पर तथा कथित रूप में अनर्गल प्रलाप करते थे, जबकि उनका हित कार्य नहीं करता था विपक्ष। जब समाज की सबसे पिछड़े जनजात से, आदिवासी से, वर्ग से आए हुए आदरणीय मुर्मू जी को जब राष्ट्रपति बनाया जाता है तो उनके बारे में जो कहना चाहिए असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता के द्वारा, मैं समझता हूँ कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। और कांग्रेस न केवल अनुसूचित आदिवासी विरोधी दिखाई पड़ती है बल्कि उसका जो चरित्र है वो महिला विरोधी भी दिखाई पड़ने लगा है। सपा के गठबंधन दलों में जो है तलाक की बात सामने आ रही, उनकी राजभर बोले हमारा और बसपा का तलाक हो गया। मुझको लगता है इनका निकाह पहले हुआ ही नहीं था, इसलिए जो तलाक की औपचारिकता है वो तो तब होती जब उनका आपस में संबंध हुआ होता है। और मैं समझता हूँ कि वो गठबंधन नहीं, वो लठबंधन का प्रारब्ध था और आज वो अपने अंतिम चरण पर वो चल रहा है। विपक्ष एक तरीके से मुद्दा विहीन है और केवल सत्ता पक्ष के अच्छे कार्यों की आलोचना करना ये उसका काम रह गया है। मैं समझता हूँ कि विपक्ष लोकसभा चुनाव में बुरी तरह पराजित होगा और अपना जिस प्रकार से उन्होंने विधान परिषद में विपक्ष का नेता का पद भी से वंचित हुए हैं, जनता मुझको लगता है कि लोकसभा में 80 की 80 सीटों को से उनको विमुख करेगी। प्रदेश अध्यक्ष की अगर बात किया तो उस प्रेस पे आपका भी नाम तेजी से चर्चा में है, क्या बीजेपी में किसी का नाम नहीं होता। बीजेपी में केंद्र सरकार, केंद्रीय जो नेतृत्व होता है वो अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग दायित्व देता है और जिसको दायित्व, जो दायित्व मिलता है उस दायित्व का बीजेपी का कार्यकर्ता निर्वहन करता है। ये अनुशासित पार्टी है, इसमें मैं नहीं, इसमें हम चलता है। सपा ने कहा कि 2024 के लिए सशक्त अभियान की शुरुआत कर दी, इसी शुरुआत हो गई। अब उनका पार्टी का कार्यक्रम, उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। अब जिसके पास सदस्यता नहीं है तो उनको निश्चित रूप में आज इसकी आवश्यकता पड़ेगी। बीजेपी तो 11 करोड़ पहले पार कर चुके थे, अब तो 18 करोड़ से भी ऊपर का आंकड़ा है बीजेपी के पास। सपा